आज का एपिसोड मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है क्योंकि जो किताब आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ वो है मेरी खुद की किताब। एंड आई थिंक दिस इज एन एक्सक्लूसिव अपॉर्चुनिटी फॉर मी एज एन ऑथर, क्योंकि मुझसे बेहतर ये कोई नहीं बता सकता कि ये किताब मैंने क्यों लिखी, किसके लिए लिखी, व्हाट इज इट अबाउट, मुझे इंस्पिरेशन कहाँ से मिली, मेरी जर्नी कैसी रही और भी बहुत सी बातें जो मैं नॉर्मली आपसे नहीं कर पाती हूँ। सो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एज आई डिस्कस माई जर्नी एंड माई फर्स्ट बुक रोमांसिंग टारगेट्स। दोस्तों मैं हूं निधि, वेलकम बैक टू दिस चैनल। और इस एपिसोड के थ्रू मैं आप तक एक मैसेज पहुंचाना चाह रही हूं कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां से आते हो, फर्क इस बात से पड़ता है कि आप कहां पहुंचना चाहते हो। आप लाइफ के जिस भी दौर से गुजर रहे हो उसे प्लीज ये मत डिफाइन करने दो कि आप कहां तक जा सकते हो। अगर आज आप रिलेशनशिप्स नहीं संभाल पा रहे, दैट डज नॉट मीन कि आपकी लाइफ में कभी रिलेशनशिप स्टेबिलिटी आएगी ही नहीं। अगर आज आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, दैट डज नॉट मीन कि कल आप एक जीनियस नहीं बन सकते। अगर आज आप नौकरी के लिए स्ट्रगल कर रहे हो, दैट डज नॉट डिफाइन कि कल आप एक मल्टी बिलियन एम्पायर नहीं खड़ा कर सकते। और ये मैं कहीं से पढ़कर नहीं बोल रही हूँ, मैं अपने खुद के एक्सपीरियंसेस से बोल रही हूँ। तो अपने कल को अपना आज, यानी कि पिछले कल को अपना आज और आज को अपना आने वाला कल डिफाइन करने मत दो। एंड ऑन दैट नोट लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज एपिसोड एंड माई बुक रोमांसिंग टारगेट्स। मेरी परवरिश एक टिपिकल इंडियन मिडिल क्लास फैमिली में हुई है जहाँ पे हमें कभी बेसिक फैसिलिटी, बेसिक एजुकेशन, बेसिक लाइफस्टाइल की दिक्कत तो नहीं हुई। हाँ, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि दूसरों की देखा देखी अगर हम अपनी मनमर्जी का खर्चा करने लगे, उतना सरप्लस मनी भी नहीं था। तो एक मिडिल क्लास फैमिली, एक सैलरीड बैकग्राउंड से आ रहे बच्चे का क्या सपना होता है? यही कि उसे एक अच्छी सी कॉर्पोरेट जॉब मिल जाए। और मेरा ये सपना पूरा हुआ जब मुझे एक लीडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स की जॉब मिली। अब उस समय नौकरी मिलने की इतनी खुशी थी कि मैंने सोचा ही नहीं कि मैं एक हाई प्रेशर सेल्स जॉब कैसे हैंडल करूंगी। इनफैक्ट उन दिनों मैं ये सोचा करती थी कि हाई सेल्स के लोग कितने स्मार्टली ड्रेसअप होते हैं, कितने अच्छे उनके कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं, उनको सैलरी के साथ इंसेंटिव भी मिलता है। आई मीन, व्हाट कैन बी बेटर देन दैट। तो एक दिन मैं भी इनकी तरह स्मार्ट, यू नो, गुड इन कम्युनिकेशन एंड रिच बनूंगी। तो मैंने फुल जोश के साथ अपनी जॉब स्टार्ट कर दी, प्लानिंग भी शुरू कर दी कि मैं पहले गाड़ी लूंगी, उसके बाद घर में इन्वेस्ट करूंगी, टिपिकल ड्रीम्स, राइट। लेकिन वो सारा जोश एक हफ्ते के इंडक्शन के बाद फुस हो गया, क्योंकि मेरे सामने थे मेरे टारगेट्स एंड आई हैड नो आइडिया हाउ टू अचीव दोज टारगेट्स। मुझे करना क्या है, हाउ डू आई फाइंड कस्टमर्स हु विल बाय फ्रॉम मी, हाउ डू आई चेक देयर एलिजिबिलिटी, मैं ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करूंगी, मैं सेल्स कैसे ट्रैक करूंगी, मैं सेल क्लोज कैसे करूंगी, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अब मन में सवाल बहुत सारे थे लेकिन क्या करना है ये मुझे पता नहीं था। मैं अपने कोलीग से सीखने की कोशिश भी करती थी लेकिन सब कोई अपना टारगेट अचीव करने में इतना बिजी था कि किसी के पास टाइम थोड़ी था कि मुझे हाथ पकड़ के सिखाए कि भाई निधि ऐसा करना। एज अ रिजल्ट आई स्टार्टेड मिसिंग माई टारगेट्स। तो ऐसे सिचुएशन में होता क्या है ना कि जब आप शुरू में कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हो तो लोग थोड़ा सा कंसिडरेशन दिखाते हैं कि भाई अभी नहीं आई है, गिव हर सम टाइम। लेकिन 3-4 महीने के बाद नो बडी हैज दैट पेशेंस, क्योंकि आपका टारगेट आपके बॉस के टारगेट से लिंक्ड है और आपके बॉस का टारगेट उनके बॉस के टारगेट से लिंक्ड है। तो एक इंसान की नॉन परफॉर्मेंस सब को इम्पैक्ट करती है एंड पीपल गेट रियली एजिटेटेड अबाउट इट। और ये कोई वन टाइम टारगेट अचीव करने वाली सिचुएशन तो थी नहीं, भाई मंथ ऑन मंथ आई हैड टू मीट माई टारगेट्स। तो लैक ऑफ स्किल से ज़्यादा ना, लैक ऑफ राइट माइंड सेट की वजह से आई रियली स्टार्टेड स्ट्रगलिंग इन दैट जॉब। प्रेशर इतना ज़्यादा था कि मुझे बात बात पर गुस्सा आता था, मैं बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी। मेरे पेरेंट्स कंप्लेंट करते थे कि तुम फोन ही नहीं करती हो, तुम्हारे पास टाइम नहीं है। मेरे दोस्त कहने लगे थे दैट यू हैव चेंज। सो आई वाज आल्सो स्टेइंग अवे फ्रॉम माय होम, तो खाना भी मोस्टली मैं बाहर से ही खाती थी। तो जिन जिन रीजंस की वजह से मैं अपना करियर एस्टैब्लिश करना चाहती थी ना, वैसा कुछ भी नहीं हो रहा था। आई वॉन्टेड टू स्पीक वेल, कम्युनिकेट वेल, लेकिन मैं तो चिड़चिड़ी हो रही थी। आई वॉन्टेड टू लुक गुड, लेकिन मोस्टली बाहर खाना खाने की वजह से मैं तो वेट गेन कर रही थी। आई वॉन्टेड टू मेक मनी, लेकिन जब मैं टारगेट्स अचीव ही नहीं कर रही तो इंसेंटिव्स का तो मतलब ही नहीं उठता। सो इट वॉज अ रियली हार्ड टाइम फॉर मी। और मैं रोज ऑफिस जाने से पहले ये सोचती थी कि आज मैं पक्का रिजाइन कर दूंगी। वो मेरी लाइफ का एक दौर था। और दूसरा दौर ये था कि मैं उसी कंपनी में एक सेल्स सुपरस्टार थी। आई वॉज मीटिंग ऑल माई टारगेट्स, आई वॉज विनिंग ऑल द कॉन्टेस्ट। तो जैसे जैसे मैं अपने करियर में आगे बढ़ती गई, मैंने टीम्स हैंडल करी, अलग अलग सेल्स फंक्शंस हैंडल किए, वैसे वैसे मैं ये सीखती गई कि अगर आज मैं टारगेट्स हैंडल नहीं कर पा रही हूँ, दैट डज नॉट डिफाइन कि मैं कभी भी टारगेट्स हैंडल नहीं कर पाऊंगी। और मेरे स्किल और मेंटल ट्रांजिशन में सबसे बड़ा साथ दिया बुक्स ने। जब मैं अपने करियर में स्टक थी, किसी के भी पास टाइम नहीं था कि मुझे सिखा सके कि करना क्या है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे कि मैं जॉब छोड़कर MBA कर लूँ, कुछ और सोच लूँ, उस टाइम मुझे बुक्स ने बहुत मदद की है।
सच ये है कि मैंने कभी किताब को किताब की नज़र से देखा ही नहीं। मैंने हमेशा किताब को ऐसे देखा है जैसे कि मैं उस बुक के ऑथर के साथ ना 1-to-1 बेसिस पर सीख रही हूँ। एंड दैट मेड रीडिंग सो पावरफुल फॉर मी दैट आई कांट इवन एक्सप्रेस। मैंने बुक से सेल्स के बारे में सीखा, मैंने स्ट्रैटेजीज के बारे में सीखा, मैंने पर्सनल ग्रूमिंग के बारे में सीखा, मैंने कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में सीखा। इनफैक्ट जो जो मैं सीख सकती थी ना वो सब मैंने बुक्स के थ्रू सीखा। एंड देन आई थॉट टू माई सेल्फ कि जो चैलेंजेस जो सिचुएशंस मैंने फेस करी हैं या मैं फेस कर रही हूँ बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ रिसोर्सेज, लैक ऑफ स्किल, आई विल मेक इट अ पर्पज ऑफ माई लाइफ एंड हेल्प अदर्स। अब जरा ये सोचो, हमारे देश की पॉपुलेशन में से हर कोई तो एमबीए नहीं कर सकता ना, ना ही करना चाहता है, लेकिन मार्केट में सबसे ज़्यादा जॉब्स सेल्स जॉब्स हैं। आज इंजीनियरिंग हो, साइंस हो, आर्ट्स, कॉमर्स, हर फील्ड के कैंडिडेट को सेल्स जॉब का ऑफर आ रहा है, करेक्ट? अब जॉब मिलने की एक्साइटमेंट में हम भी ज्वाइन कर ले रहे हैं, लेकिन अगर हमें ये नहीं पता कि सेल्स फील्ड में करना क्या है, क्या सीखना है, कैसे सीख सकते हैं, तो टारगेट्स का प्रेशर तो बढ़ेगा ही। एंड दैट प्रेशर विल नॉट ओनली अफेक्ट योर प्रोफेशनल लाइफ बट इट विल डायरेक्टली इम्पैक्ट योर पर्सनल लाइफ एज वेल। एंड दिस इज द प्राइमरी रीजन कि सेल्स जॉब में एट्रिशन बहुत ज़्यादा है, लोग प्रेशर हैंडल कर ही नहीं पाते, और वो इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है आई एम नॉट अ नेचुरल सेल्स पर्सन, या फिर मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं है यार। कोई कहता है यार मैंने MBA नहीं करी, कोई कहता है यार मैं किसी का एहसान क्यों लूँ, मुझे पैसे मांगने में बहुत शर्म आती है, या फिर मैं ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करूँ, मुझे समझ ही नहीं आता, क्लाइंट कुछ बोलता है मैं सामने से जवाब ही नहीं दे पाती हूँ, सेलिंग इज नॉट फॉर मी, एंड फाइनली दे जस्ट लीव। सेल्स सिर्फ एक डिपार्टमेंट, एक बिजनेस फंक्शन नहीं है, मेरी नज़र में सेल्स जिंदगी का हिस्सा है। हम सब कुछ ना कुछ बेच ही रहे हैं, कोई प्रोडक्ट, कोई सर्विस या फिर कोई आइडिया, फिर चाहे हम स्टूडेंट हैं, हम जॉब में हैं, हम अपना बिजनेस कर रहे हैं, या फिर हम होम मेकर हैं, वी ऑल आर सेलिंग डे इन डे आउट। रोज़ हम जो बातें करते हैं, एक दूसरे को कन्विंस करते हैं, फिर चाहे वो बाहर जाके खाना खाने की बात हो, you know, कोई मूवी देखने की बात हो, कुछ खरीदने की बात चल रही हो, फैमिली का कोई डिस्कशन हो, वो सेल्स ही तो है। यू हैंडल पीपल्स ऑब्जेक्शन टू बाय देयर ओपिनियन इन योर फेवर। तो हम सब एज इट इज़ ऑलरेडी किसी ना किसी फॉर्म में सेल्स कर ही रहे हैं। ज़रूरत ये सीखने की है कि कैसे हम इस स्किल को प्रॉफिटेबल बनाकर अपने बैंक अकाउंट तक ला सकते हैं। एंड दैट इज़ वाई आई रोट रोमांसिंग टारगेट्स, ताकि बेस्ड ऑन माई लर्निंग कर्व, माई सक्सेस जर्नी, मैं रीडर्स को सिखा सकूँ कि सेल्स फील्ड में फाउंडेशन का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, और एक स्ट्रांग फाउंडेशन बनती है आपके माइंडसेट से और आपकी प्रोसेस नॉलेज से। पहली बात, हमारे खुद का दिमाग जो है ना, हमारे खुद के नेगेटिव थॉट्स हमें हमारे टारगेट्स अचीव करने ही नहीं देते। और दूसरी बात कि सेल्स का एक तरीका है, एक प्रोसेस है, कस्टमर्स और मार्केट को समझना ज़रूरी है, अपनी ईगो को परे रख करना ऑब्जेक्शंस हैंडल करना ज़रूरी है, सेल्स क्लोज कैसे करते हैं ये सीखना ज़रूरी है, कस्टमर से लास्टिंग रिलेशनशिप्स कैसे बिल्ड किए जाएँ, ये सारी चीज़ें सीखना बहुत ज़रूरी हैं। एंड दैट इज़ वॉट आई हैव कवर्ड इन माई बुक। रोमांसिंग टारगेट्स लिखने का पर्पज़ ये है कि I want to help you to beam with confidence when you step out in the market to sell. I'm sure you would agree that sales is about creating influence. और इस किताब का टाइटल मैंने रोमांसिंग टारगेट्स इसीलिए रखा है ताकि जब आप टाइटल पढ़ो तो आपके दिमाग में टारगेट्स को लेकर डर या घबराहट नहीं बल्कि एक पॉजिटिव कनेक्ट इस्टेब्लिश हो। अगर आप अपना करियर शुरू करने जा रहे हो, स्पेशली अगर वो सेल्स स्पेस में है, तो इस किताब से आपको सेल्स की दुनिया को करीब से समझने का मौका मिलेगा। और अगर आप एक एस्टैब्लिश्ड सेल्स प्रोफेशनल हो, देन दिस बुक विल सर्व एज अ रिविजन ऑफ द फंडामेंटल्स दैट एक्चुअली मेक यू अ ग्रेट सेल्स पर्सन। इस बुक में टोटल 7 चैप्टर्स हैं जिनकी डिटेल मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। द बुक इज अवेलेबल ऑन Amazon, Kindle एंड लोकल बुक स्टोर्स। तो प्लीज इस किताब को पढ़िए और मार्केट में पूरी तैयारी के साथ उतरिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि रोमांसिंग टारगेट्स आपकी सोच बदलेगी कि टारगेट से डरने की जरूरत नहीं है, जरूरत है सीखने की और उस नॉलेज को अप्लाई करने की और आगे बढ़ने की। जैसे आपने मेरे यूट्यूब चैनल को, यूट्यूब जर्नी को सपोर्ट किया है, मुझे उम्मीद है आप उसी तरह मेरी बुक को भी सपोर्ट करेंगे। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं कॉन्सेप्ट्स को इजी वे में समझा सकूं, आपके सामने ला सकूं, ताकि आप आसानी से सीख सको और इस नॉलेज को अपनी लाइफ में अप्लाई कर सको।
दिस बुक इज़ अ रिजल्ट ऑफ 17 ईयर्स ऑफ माई नॉलेज माई एक्सपीरियंस. तो अगर आप अपनी सेल्स जर्नी शुरू करने जा रहे हो, अगर आप अपने सेल्स रिजल्ट से स्ट्रगल कर रहे हो, या फिर आप अपने रेवेन्यूज को इम्प्रूव करना चाहते हो, तो ये किताब आपकी बहुत मदद करेगी. सो प्लीज़ ऑर्डर योर कॉपी ऑफ रोमांसिंग टारगेट्स एंड डोंट फर्गेट टू लीव मी अ रिव्यू ऑन यूट्यूब, सोशल मीडिया और अमेजोन एज यू प्रेफर. तो मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई किताब के साथ. तब तक पीछे क्या हुआ उसके बारे में नहीं, आगे कैसे बढ़ना है इसके बारे में सोचिए, और सपने देखना बिल्कुल मत छोड़िए.